किस तरह आप पाएंगे देवताओं की कृपा, महालक्ष्मी कुबेर आपके ऊपर कैसे होंगे प्रसन्न, इनके लिए भी मेरे पास में तीन उपाय हैं। अगर आप ये तीन उपाय करते हैं तो इन तीन उपायों को करने से कुबेर आपके ऊपर वर्षा करेंगे धन की, महालक्ष्मी आपके घर में आके निवास करेंगे। वो तीन उपाय क्या है? पहला उपाय ये कीजिए कि आप बाहर आकर के चौड़े में आकर के सुबह सूर्य का अर्घ देते समय सूर्य का दर्शन कीजिए, और सूर्य का दर्शन करते समय आप 7 बार तांबे के कलश, तांबे के लोटे से जो अर्घ कराओगे, पानी चढ़ाओगे, उसको 7 बार औंधा करके, पानी खाली हो जाएगा, अर्घ हो जाएगा, 7 बार औंधा करके उसको जमीन पर इस तरह से 7 बार उसको टेकना है, और 7 बार टेक करके ऐसे हाथ रख करके प्रणाम करना है सूर्य भगवान को लास्ट में। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप जब भी अर्घ देकर लौटोगे तो आप अपना जो कलश है उस कलश को घर में अंदर दोनों हाथों में रख के ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, और आप जहां से जल अर्घ चढ़ाने के लिए लाए थे उस कलश को वहां पर जाकर के सीधा आप जमीन पर नहीं रखेंगे, उसको अपने हृदय के सामने इतने ऊंचे स्थान पे जैसे ऐसे जाके टेकना है, आपको ऊपर करके टेकना है। ये दूसरा उपाय है आपका। और तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय यह है कि आप हमेशा यह ध्यान रखें कि आपके घर के किसी भी कोने पर एक नींबू का वृक्ष जरूर होना चाहिए। आपने देखा होगा नींबू जो होता है वो एंटीडस्ट होता है, एंटीवायरस होता है, और नींबू जो होता है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करता है, इसलिए नींबू को हम नजर उतारने में हमेशा प्रयोग करते हैं। तो अगर नींबू का पेड़ आपके घर के किसी भी दिशा में है तो अवश्यमेव ही आपके ऊपर ये किसी भी दोष का असर नहीं होगा, किसी की नजर का असर नहीं होगा, और किसी भी प्रकार के दुश्मन का भी आपके ऊपर असर नहीं होगा, कोई भी दुश्मन आपको जीत नहीं पाएगा, और आप महालक्ष्मी और कुबेर का आपके ऊपर बरदहस्त होगा ये, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के नजदीक ही कुबेर और लक्ष्मी का वास है। तो आप अवश्य ही ये तीन उपाय करेंगे तो आपको अवश्य अवश्य ही कुबेर भगवान और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप धन से प्रसन्न हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।